सुबह से अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे, बिजली के बाट बिजली का पत्थर है इतना बड़ा। अभी आकाश ने मुझे एक टास्क दिया है, तो अभी बात हो रही थी कि घर पे मैगी बनाने की, कि मैगी कौन बनाएगा, तो मैं, मम्मी और नहीं ये मम्मी नहीं है, मम्मी आकाश। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, एक पत्थर है जो कहते हैं कि किस वजह से गिरा था, कैसे गिरा था मम्मी, पहाड़ से? ये बिजली की बाट, इसको बिजली की बाट बोलते हैं। बाट मतलब पत्थर। तो ये गिरा कैसे था? ये ऐसे गिरा था जैसे बिजली कड़कती है ना, वो वाला पहाड़ आप देख रहे हैं वहाँ, उस टाइम पे जब बिजली कड़कती है तो वहाँ पे एक बार कभी बिजली कड़की होगी, तो वहाँ से वो पत्थर गिरता हुआ यहाँ पे आया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खेत है इनमें भी दो चार बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। आज क्या हमारा आज का टास्क क्या है आकाश? उसके ऊपर चढ़ना है। तो उसके ऊपर कौन चढ़ पाएगा? मैंने गिराया था पता है। और जो जो चढ़ पाएगा वो विनर होगा, और जो नहीं चढ़ पाया वो बनाएगा क्या? मैगी। वो बनाएगा मैगी। तो अभी देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस बार। अब देखते हैं कि हम में से कौन इस पहाड़ के ऊपर चढ़ पाता है, नहीं चढ़ पाता। क्या दूर से तो काफी ज्यादा छोटा सा लग रहा है, जरा सा पत्थर लग रहा है दूर से। मुझे तो लग नहीं रहा कि इस पर कोई चढ़ पाएगा। मम्मी क्या लग रहा है आपको, चढ़ पाओगी आप? ये वाले जो कांटे है ना, अगर एक गलती से भी इनमें से एक भी कांटा आपके लग जाए। ये बहुत ही बड़ा पत्थर है, देखने में बहुत छोटा लग रहा था, और वहां से ये घूमता घूमता यहाँ पे आके रुक गया। मम्मी आप ना हमेशा खतरों की खिलाड़ी बनती हो। देखो भाई गिर जाओ, गिर जाओ। बुढ़ापे में हड्डियां भी नहीं जुड़ती आपको पता है। ये क्या? ये वो है भैंस का, भैंस की हड्डी। भैंस की हड्डी पता है यहाँ पे ना, यहाँ पे ऊपर है ना वो शेर रहता है, और देखिए जैसे हड्डियां है ना, तो वो भैंस भैंसों को सब कुछ ले आके खा जाता है, सबको खा जाता है। लेकिन तेरे को नहीं खाएगा। क्यों? तेरे को चाहिए नहीं। एडवेंचर करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, तो गांव में ही हमारा बढ़िया एडवेंचर होता रहता है। यहाँ चढ़ने का सिर्फ सपना ही ले सकते हैं। अरे मैं चढ़ के दिखाऊंगा। नहीं मम्मी चढ़ सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुझे पता है अगर ऊपर से गिरा एक शॉट में तेरा पट से हेडशॉट हो जाएगा। सुखी मम्मी देखना ऊपर जाने की जबरदस्ती कर रहा है। महिमी नहीं, नहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये तो कुछ ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि हम सभी यहाँ पे आके नाकामयाब हो गए। देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्थर गिरे हुए हैं ये काफी सारे, जो हाफ ये आधा पहाड़ टूटा हुआ है, तो यहाँ पे बिजली गिरी थी। आधा पहाड़ के अलग अलग जगह आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हैं, और उनमें से सबसे बड़ा पत्थर है ये। खैर इस पे गाँव के बच्चे चढ़ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं चढ़ पाता, कोई भी सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं इस पे। ये तो बहुत भारी है, तो पहाड़ हो गई उसे। जी स्टोरी का एंड ये निकला कि आकाश यहाँ पे पागल बना के लाया हमें कि यहाँ पे सब चढ़ते हैं, लेकिन इस पे चढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं चढ़ पाता इसके ऊपर। अगर चढ़ भी, वैसे तो मैं चढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर चढ़ गया तो उतरूंगा नहीं, और गलती से अगर गिर गया तो फिर आपको इतने सारे ब्लॉग कौन दिखाएगा नए नए आने वाले। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत टाइम तक ब्लॉग ना कर पाऊं। यार आकाश गांव में आके कैसे कैसे काम कर रहे हैं अपन। लॉकडाउन कुछ भी करवा सकता है आपसे, लेकिन जो करवा रहा है मजे तो आ रहे कम से कम। तो अभी इस बकरी को पकड़ना एक टास्क है। ये मैंने बकरी पकड़ ली। मैं भी हूँ लगा। अरे जा मैं भी हूँ। आकाश क्या तूने आज तक बकरी का दूध पिया कभी? आज आकाश को बकरी का दूध पिलाते हम। चल फर्स्ट टाइम मैंने टच किया। क्या है इसको निकालना ही नहीं आता। क्या हुआ? टेस्टी नहीं है मम्मी। क्यों? तो यूं पी लूंगा मैं दूध को। लेकिन गाइस आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, जब डेंगू के टाइम में मतलब बकरी का जो दूध होता है सबसे ज्यादा गर्म दूध होता है, और डेंगू में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बकरी के दूध के। लेकिन इस बकरी के तो घंटी लगा रखी है। फैशन के लिए अच्छा लगता है। आगा है तो तेरा दोस्त है। वो कर दे। अब बच्ची ले ले इसकी। तू मेरी है ठीक है, आऊंगा मैं वापस, ध्यान रखे अपना। ये वाला कंपटीशन जो था वो हो चुका है रद्द, क्योंकि हम में से कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अभी घर जाके ऑफिस की बात है, मैगी तो मैं ही बनाऊंगा क्योंकि अच्छी। कौन बनाता है गैस? मैं। चल झूठ है तुझे। गैस रहने दे, रहने दे। गैस कैसे, चूल्हा जलाना भी नहीं आता, माचिस भी नहीं आती इसे। नमस्ते कल आए मेरे लिए।
हुक्का पिलाएगा हुक्का, एक घुट मार के देगा हुक्के की। आज इसको हुक्का पिला दो आप आकाश को। पहले पीते थे जब बड़े थे, अब बूढ़े हो गए। मम्मी मारो इसे। नहीं मैं पीता ही नहीं। नहीं नहीं ये थोड़ा सा झूठ के आकाश। मैं पीता नहीं हूँ वैसे, लेकिन देखो इसको ऐसे पकड़ते खासू क्यों, सब ट्रेनिंग है इसको। मुझे खांसी ही नहीं आती। इस पहले बता दो कि जब हम छोटे थे तो आते थे यहाँ पे, इनके पास एक यहाँ पे बड़ा घोड़ा होता था, लेकिन अभी है ये छोटा। लात तो नहीं मारेगा? सही बात है, आगे से थोड़ी ना लात मारेगा। बड़ी होगी अभी। आकाश का दोस्त दिखाऊं आपको अभी? कितना सही सा है। तो गाइस अभी ये जो घोड़ा है अभी छोटा है, मतलब छोटी है। हाँ घोड़ी जो है छोटी है अभी। और जो पहले बड़ा घोड़ा था उनकी डेथ हो गई। बेचारा बहुत अच्छा था, मेरे से बहुत प्यार करता था। मैं जब भी आता था मेरे को कभी लात नहीं मारता, यहाँ से वहाँ तक पूरा घुमा के लाता था। तुझे पता है कुत्तों को कटोरी नहीं देते। देखो मेरा कुत्ता बोल रहा है। आजाओ की बीड़िया। तो यार ये एक वीडियो हमारे भी उड़ो चाहिए। आकाश आकाश आजा। तू आज तक उस वाले फाड़ पे गया है सामने? उस वाले फाड़ पे गया ऊपर तक। काश लड़ाई कर रहा है तुझसे, बदल गया तू। क्या था? क्या पूछा है इसने? जाड़ जाड़ मुखटो गाय मकड़ी दूध मीठो। गाइस बताना जो भी बोला है उसका आंसर क्या है। गाइस अभी आकाश और मेरे में शर्त लगी थी तो कहीं ना कहीं मैं हार गया। और अभी उसके बाद में मुझे बनानी मैगी। और आज का टास्क है मेरा कि जो मैगी बनेगी वो चूल्हे पे बनेगी। तो चूल्हे पे मैगी बनाने के लिए हमने यहाँ पे जलाल को बोल दिया है कि भाई प्लीज़ चूल्हा जला दे। लेकिन क्या हाँ खिलाएंगे तुम्हें? ठीक है लेकिन तुम्हें खाने के लिए काम करना पड़ेगा फिर। तुम्हें चूल्हा जलाना पड़ेगा खाने के लिए। बना मैं दूंगा। जलाल तू खाएगा मैगी? क्यों अच्छी नहीं लगती? मामा का सेवन करने वाले को अच्छी नहीं लगती मैगी। तो हमारे पास अभी यहाँ पे दो मैगी, अब फटाफट से इसको बनाते हैं। कहाँ पे कैसे क्या सकते ले। हाँ गाइस लास्ट टाइम भाई ने जब मैगी बनाई थी क्या हुआ था जलाल तेरे साथ? अरे बहुत बुरी बनी वो। भाई तूने इसका पैर तोड़ दिया था वहाँ पे। वहाँ पे ये कह रहा है कि लास्ट टाइम तेरे जब तू मैगी बनवा रहा था तो इसका पैर टूटा बच गया। ये आरआईपी पैर नहीं, आरआईपी हो जाता, रेस्ट इन पीस हो जाता, बच गए। इसका पैर फिसल गया। लेकिन एक बात है, बंदरों से इसने पूरी पूरी फतह कर ली थी। क्या बंदरों क्या हुआ था? बंदर मैगी छीन के भाग गए थे। हम गए थे पहाड़ के ऊपर चढ़कर। अब देख ले इतने लंबे चौड़े पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाना 2 घंटे लगा के, और फिर हमारी मेहनत को बंदर खराब कर लेते। इसलिए अपनी जान जोखिम पे डाल के इसने बच गया था। अगेन चीकू भाभी कमिंग। चीकू भाभी हॉट थंबनेल। आज तो बहुत सुंदर लग रही है, क्या बात है। तो मैगी कौन कौन खाएगा तुम? ऑब्वियसली मैं, ओनली मैं। चलो एक काम करते हैं, आज ना भाभी से मैगी बनवा देते हैं। हाँ कर देती है, अभी मना कर देगी। कैमरा ऑफ होती, बोलेगी अभी मैं नहीं बना रही, तुम खुद बना लो। अच्छा तुम भी व्लॉग कर रहे हो क्या? ओहो क्लैश हो गया आज तो। बढ़िया सारा एक्सीडेंट होएगा आज। एक तिल्ली में जल पाएगा ये? नहीं मैं ही चला सकता हूँ इसको। अगर मैंने इसे एक तिल्ली में नहीं जलाया तो मेरा गांव में रहने का कोई फायदा नहीं है। पहले ऐसे कौन चलता था ये? फिर ठीक हो गया। अरे पाला मार दियो। चूल्हे पे मैगी बनाने की यही दिक्कत है कि बार बार ना चूल्हा बुझ जाता है और पॉल्यूशन हम कर नहीं सकते। आप कौन-कौन काय कर रही है? या मैं आप पीती हो गए?
गलत हो चुका है क्योंकि खामे का हमारा ज्यादा पानी डल चुका है इसके अंदर, काफी पानी डल गया। उतार देते चला लो, गर्म भी बहुत ज्यादा हो चुका। यार तू तो मैन वर्सेस वाइल्ड है भाई, नहीं लगता इसको तो। इतनी गर्म पकड़ ली इसने आग पे चलती है। हुआ क्या कि अभी हमारी मैगी, हम भाइयों के साथ बातों में लगे थे तो हमारी मैगी खराब हो चुकी है और अभी और मैगी अगर लेके आनी है तो उसमें लगेगा टाइम। तो अभी तो हमें पता नहीं क्या हुआ। आकाश आकाश एक बार टेस्ट करके बता कैसी बनी है। बढ़िया, एक नंबर। झूठ बोल रहा है, लग तो नहीं रही इसकी शक्ल से कि ये अच्छी बनी है इतनी। और यहाँ पे अभी भाई भाई कोई है भी नहीं, मम्मी भी नहीं है, तो हमने सोचा कि इसको हम थोड़ा सा यहीं पे होल्ड कर देते हैं और हम दोबारा मैगी बनाएंगे, अच्छी मैगी लाके। चार बोतल ले, पांच बोतल ले, इसे तो भाई। जलाल अभी कह रहा है उसको 100 रुपए दे, अभी तेरे को ड्यू दूंगा मैं। ड्यू मतलब कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे ना गाँव में का एक दिक्कत है, एक तो सुबह भी एकदम से होती है और अब देखो शाम एकदम से, क्योंकि पीछे पहाड़ है तो जब सूरज निकलता निकलता एक टाइम होता है फिर एकदम से आता है। क्यों रो रहा है? ओए ओए, हाँ भी खाओ, ये थोड़ी सी बेकार बनी इसलिए तुम्हें खिला रहे हूँ पहले। नहीं नहीं अच्छी बनी है लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी दोबारा लेके आएंगे ना उसको बनाएंगे अच्छे से। गाइस देखो आकाश एक बार खा के दिखा दे, देखो ये जंगली आदमी ना, इसने कोई प्लेट ली ना कुछ लिया। अपन तो ऐसे है भाई, ये मैगी खाता है। अरे कुत्ते आकाश 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 आकाश, ये तूने कुत्ता कहना कहाँ सीखा है? ये इससे सीखा मैंने। वे आ चुका है हमारा ऑफ राइडर ड्राइवर एज ऑलवेज, जो कि खतरों का खिलाड़ी। अब हम जा रहे हैं मार्केट कुछ थोड़ा सा सामान लेने, तो सामान लेके आते हैं।